जिस तरह शेर को जंगल का राजा माना जाता है, ठीक उसी तरह शार्क को समुद्र की रानी के रूप में जाना जाता है। समुद्र की दुनिया के एपिक्स प्रेडेटर्स में से एक ये शार्क इतनी खतरनाक और जालिम शिकारी होती है कि समुद्र में रहने वाले किसी जीव पर दया नहीं दिखाती। अगर आप समुद्र में है तो शार्क के शिकार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र की गहराई में एक ऐसा जीव भी रहता है जिससे खूंखार शार्क भी डरती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉल्फिन की। इनसे सामना होते ही शार्क पतली गली से निकल जाना ही बेहतर समझती है। मगर ऐसा क्यों है कि शार्क जैसी खूंखार शिकारी डॉल्फिन से डरती है? आज के हमारे इस वीडियो में हम उन सारे पहलुओं पर रोशनी डालने वाले हैं जो ये साबित करते हैं कि शार्क डॉल्फिन से खौफ खाती है। वीडियो बेहद ही रोमांचक होने वाला है, बस आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मरीन वर्ल्ड में बेताज बादशाह की तरह राज करने वाली शार्क बेहद ही खूंखार शिकारियों में से एक मानी जाती है। ये अपने नुकीले और खतरनाक दांतों के दम पर समुद्र में रहने वाले दूसरे जीवों के जहन में अपना खौफ कायम रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इनके दांत इतने मजबूत और ताकतवर होते हैं कि इनकी मदद से ये किसी मेटल शीट के भी परखच्चे उड़ाने की ताकत रखती है। इतना ही नहीं, भारी भरकम शरीर और बेशुमार ताकत की मालकिन ये शार्क सिर्फ समंदर के जीव भी नहीं, इंसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर बेहद ही क्यूट सी दिखने वाली डॉल्फिन काफी शांत और दयालु स्वभाव की होती है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंसानों के साथ काफी दोस्ताना संबंध रखना बेहद पसंद करती है। यही कारण है कि कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जब डॉल्फिन समुद्र में इंसानों की जान बचाते हुए भी देखी गई है। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी प्यारी और भोली भाली सी दिखने वाली डॉल्फिन के पास आखिर ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र होता है कि जिसकी वजह से खतरनाक शार्क भी इनसे इतना खौफ खाती है? डॉल्फिन्स के अंदर आखिर ऐसी क्या खासियत होती है कि इनके सामने आते ही शार्क के सारे पैंतरे धाराशाही हो जाते हैं और मैदान छोड़कर भागने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता? दरअसल डॉल्फिन्स के पास इंटेलिजेंस यानी समझदारी नाम का एक ऐसा हथियार होता है जिसके दम पर ये शार्क जैसी खतरनाक जीवों के भी छक्के छुड़ाने में केपेबल है। अगर शारीरिक बनावट और ताकत के आधार पर इन दोनों की तुलना की जाए तो ऐसे में शार्क के सामने डॉल्फिन्स की कोई हैसियत नहीं। ताकत और आकार के मामले में विशालकाय शार्क डॉल्फिन से काफी आगे है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर जंग ताकत के आधार पर ही जीती जाए। समझदारी और सूझबूझ एक ऐसा हथियार है जिसके दम पर बड़ी से बड़ी जंग को भी आसानी से फतेह किया जा सकता है, और यही बात डॉल्फिन्स के ऊपर पूरी तरह से फिट बैठती है। जिस तरह से धरती पर इंसान को सबसे इंटेलिजेंट जीव माना जाता है, ठीक उसी तरह समुद्र की दुनिया में डॉल्फिन्स को सबसे बुद्धिमान जानवरों के रूप में जाना जाता है, और अपनी इसी काबिलियत के दम पर ये शार्क जैसी शातिर जीवों को भी चकमा देने में सफल हो पाती है, जबकि बेहद ही खतरनाक शार्क इनकी समझदारी के सामने पानी भरती रह जाती है। डॉल्फिन्स की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है फ्लेक्सिबिलिटी। किसी शार्क के मुकाबले इनकी बॉडी और हड्डियाँ काफी लचीली होती है, जिसके दम पर ये समुद्र के अंदर काफी तेजी से तैरते हुए भी बड़ी आसानी से अपनी दिशा को बदलने की महारत रखती है। इसके साथ ही इनकी पूंछ हॉरिजॉन्टल होती है जो इन्हें तेजी से तैरने में और दिशा बदलने में मदद करती है। इतना ही नहीं, अपनी लचीली बॉडी और पूंछ की मदद से ये समुद्र में बड़ी ही आसानी से और तेजी से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आ जा सकती है। शार्क अपने भारी भरकम शरीर की वजह से डॉल्फिन्स की तुलना में काफी कम फुर्तीली होती है, जिसकी वजह से इन्हें तेजी से तैरते हुए दिशा बदलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही इनकी पूंछ वर्टिकल शेप में होती है, यानी तैरते हुए दाएं से बाएं और बाएं से दाएं तो मूव करने में इन्हें कोई खास परेशानी नहीं होती, मगर समुद्र में ऊपर नीचे मूव करने में डॉल्फिन से काफी पीछे रह जाती है। यही कारण है कि फुर्ती के मामले में ये डॉल्फिन से मात खा जाती है। तो दोस्तों, ये तो हुई शार्क्स और डॉल्फिन्स के फीचर्स की बात, लेकिन आपके दिमाग में अभी भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि शार्क्स आखिर डॉल्फिन से इतना डरते क्यों है? तो हम आपको बताते चले कि समुद्र की दुनिया में जब कभी शार्क्स का सामना डॉल्फिन से होता है तो ऐसे में अपनी आदत से मजबूर शार्क्स डॉल्फिन्स के ऊपर अटैक करने की पुरजोर कोशिश करती है, लेकिन कभी डॉल्फिन्स अपने ऊपर हमला करने आई शार्क्स को देखकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ जाती है और अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी और गजब की फुर्ती का फायदा उठाकर बड़ी ही तेजी के साथ समुद्र की गहराई में चली जाती है, और जब तक ये शार्क्स कुछ कर पाए उससे पहले ही उतनी ही तेजी के साथ ऊपर आती है और नीचे से शार्क के पेट पर जोरदार अटैक करती है। हालांकि अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मामूली सी दिखने वाली डॉल्फिन्स के इस अटैक का भला विशालकाय शरीर की मालकिन शार्क के ऊपर क्या असर होता होगा? तो हम आपको बताते चले
कि जिस तरह से हम इंसानों के शरीर पर कोई कांटा चुभ जाए तो थोड़ा सा दर्द तो होता ही है, लेकिन अगर इंसान के शरीर पर वही कांटा बार बार चुभाया जाए तो ऐसे में असहनीय दर्द का होना स्वाभाविक है। ठीक ऐसे ही जब डॉल्फिन्स अपनी गजब की फुर्ती के साथ बार बार पानी के नीचे जाती है और बिजली से भी तेज रफ्तार के ऊपर आकर शार्क्स के पेट पर लगातार हमला करती है, तो विशालकाय शरीर वाली शार्क्स बार बार किए जा रहे इन अटैक से उपजे असहनीय दर्द से तड़प उठती है। कई बार तो डॉल्फिन्स का हमला इतना जबरदस्त होता है कि शार्क्स की पेट की मांसपेशियां भी बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। इतना ही नहीं, डॉल्फिन्स के जानलेवा हमले का अंदाज आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब डॉल्फिन्स पानी से बाहर छलांग लगाती है तो लगभग 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक चली जाती है। तो ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि जब ये पानी के नीचे से ऊपर शार्क के पेट पर अटैक करती है तो उस समय इनका फोर्स कितना ज्यादा होता होगा। इतना ही नहीं, डॉल्फिन्स का मुंह आम मछलियों की तुलना में थोड़ा नुकीले शेप का होता है, और जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि जितना ही कम सरफेस एरिया होता है उतना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई होता है। यही कारण है कि डॉल्फिन्स के मुंह का ये शेप उनके लिए एक हथियार की तरह काम करता है। ऐसे में ये जब शार्क्स के ऊपर बेहद ही तेजी से अटैक करती है तो इनके नुकीले मुंह की वजह से इनका अटैक बहुत ज्यादा असरदार हो जाता है। शार्क का डॉल्फिन से डरने का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि शार्क्स अक्सर अकेले रहना ही पसंद करती है, जबकि डॉल्फिन्स अक्सर अपने ग्रुप में रहना पसंद करती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो काम एक अकेला आदमी नहीं कर सकता उसे कई आदमी मिलकर बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जब कोई शार्क डॉल्फिन के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है तो ऐसे में डॉल्फिन का पूरा ग्रुप एक साथ मिलकर शार्क के ऊपर टूट पड़ता है और सब मिलकर शार्क जैसी खूंखार जानवर को भी उसकी औकात याद दिला देती है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि डॉल्फिन की पूरी गैंग मिलकर शार्क की जान तक ले लेती है। आप ये जानकर शायद हैरान हो जाएंगे कि डॉल्फिन और शार्क की दुश्मनी सदियों पुरानी है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि भोजन की तलाश में अक्सर शार्क डॉल्फिन्स के अंडों और बच्चों को अपना शिकार बना लेती है और इनसे दुश्मनी मोल ले लेती है। डॉल्फिन्स तो शार्क को देखना भी पसंद नहीं करती और उन्हें जब भी मौका मिलता है तो अपने ग्रुप के साथ मिलकर शार्क्स की बैंड बजाने से भी पीछे नहीं हटती। शार्क्स की डॉल्फिन से डरने की तीसरी सबसे बड़ी वजह होती है किलर व्हेल नामक जीव। अपने नुकीले और बेहद ही खतरनाक दांत के साथ साथ जबरदस्त हंटिंग स्किल्स के दम पर समुद्र की दुनिया में तहलका मचाने वाली किलर व्हेल्स का संबंध डॉल्फिन परिवार से ही होता है। यही कारण है कि किलर व्हेल अक्सर डॉल्फिन के ग्रुप के आसपास ही रहना पसंद करती है। ऐसे में जब कभी शार्क डॉल्फिन के ऊपर अटैक करने की गलती करती है तो इस हालात में अक्सर ये किलर व्हेल डॉल्फिन्स के साथ पूरे दमखम के साथ खड़ी नजर आती है और मौत का तांडव मचाने के लिए एक पल की भी देरी नहीं करती। यही कारण है कि शार्क जैसी बेरहम शिकारी के सामने बेहद ही मामूली होने के बावजूद भी डॉल्फिन्स अपनी कमाल की फुर्ती, तेज दिमाग और एकजुटता के दम पर शार्क को भी धूल चटाने की ताकत रखती है। इसी वजह से शार्क्स के दिलो दिमाग में डॉल्फिन्स का खौफ कुछ इस तरह से बसा होता है कि इनसे सामना होते ही अक्सर शार्क्स बचकर निकल जाना ही अपनी सेहत के लिए बेहतर समझती है। भले ही शार्क कितनी ही खतरनाक और जालिम शिकारी क्यों ना हो, मगर कभी भी डॉल्फिन्स को अपना शिकार नहीं बना पाती। फ्लेक्सिबल बॉडी, गजब की फुर्ती और बेहतरीन सूझबूझ डॉल्फिन्स की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।